नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट और मैं हूं आपके साथ विवेक प्रकाश। 21 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन इस 21 दिन के लॉकडाउन में भी कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे हीरोज हैं जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती, लेकिन वो कोरोना से एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं। एक बड़ी जंग के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, इसलिए ताकि हम और आप अपने घरों में इस 21 दिन के लॉकडाउन में सुरक्षित रह सकें, कोरोना के इस महामारी से बच सकें। ऐसे 21 नायकों की स्टोरी हम हर दिन आपको दिखाएंगे, रोज एक नायक द फ्रंट पर आपके सामने होगा। ऐसे ही एक नायक की स्टोरी आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने। द फ्रंट पर आपको हम मिलवाएंगे मनीष श्रीवास्तव से। मनीष श्रीवास्तव एक स्वयंसेवी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग के लिए काम कर रहे हैं। हाल के दिनों में वो बिहार में हैं और किस तरीके से वो कोरोना को लेकर के जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को मास्क बांट रहे हैं, लोगों के बीच रहकर अपनी जान की परवाह किए बिना, कोरोना से संक्रमित होने के डर की परवाह किए बिना आपके और हमारे लिए काम कर रहे हैं। आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। आप लोग मास्क लगाइएगा, ठीक है? मास्क लगा के तब मुंह में जाइए, ऐसे मत जाइए, और थोड़ा आगे आगे पीछे चलिए, ऐसे मत चलिए, ठीक है? मैं मनीष श्रीवास्तव, मूलतः तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी गाजियाबाद में है। अभी प्रेजेंटली मेरी सेवाएं जो हैं बिहार में सरकार के द्वारा चल रही है, केयर इंडिया के सौजन्य से और स्वास्थ्य मंत्रालय बिहार सरकार के द्वारा। इस कोरोना वायरस में जिस पूरा देश घर के अंदर बैठा हुआ है और हम लोग अभी बाहर हैं, हमसे पूछा गया कि क्या इस कोरोना के सिचुएशन में आप लोग घर से बाहर निकलने के तैयार हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। हमने बोला बिल्कुल, क्योंकि जो डॉक्टर नर्सेस पुलिस, अभी मैं बेगूसराय में हूं, देख रहा हूं पुलिस हर चौराहे पे पुलिस खड़ी है ताकि लोग घर से बाहर ना निकले, लोगों को समझाएं। हम लोग इतने, अभी आज सुबह से मैं निकला, करीब करीब नालंदा गया, नवादा गया, लखीसराय गया, मुंगेर गया, भागलपुर गया, खगड़िया होते हुए अभी मैं बेगूसराय पहुंचा हूं, ताकि लोगों के पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, गांवों में मास्क और सैनिटाइजेशन बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो वहां पे तब भी डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, उनको कम से कम एटलीस्ट मास्क, सैनिटाइजेशन और भी उनकी क्या रिक्वायरमेंट है सबने हमने देखा सुना, कुछ चीजें हमने दी जो नहीं थी हमारे पास, हमने नोट किया, कोशिश करेंगे कल परसों तक वो भी भिजवा दें। लेकिन इसके दौरान मैंने देखा पूरे रोड पे सन्नाटा, गांव गांव तक लोग दुकान घर बंद करके अंदर बड़े पड़े हैं। 80% 90% जनता घर के अंदर है, 10% बाहर है। लोगों में डर है और ये डर अच्छा है, कोरोना का डर अच्छा है, डर होना चाहिए। नहीं डर होगा तो मरेंगे, मरने से बचना है तो डरना जरूरी है, क्योंकि घर में रहेंगे तभी कोरोना हारेगा, ये बात फैक्ट है। कहीं भी एक सिंगल दुकान नहीं खुली है एसेंशियल सर्विसेज की छोड़ के, कहीं आप चाय नहीं पी सकते, इसलिए हमारी गाड़ी में तो पूरी व्यवस्था थी। हम लोग अभी इतने थके हुए हैं, हमारी कोशिश ये है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कवर कर लें। कहीं शहर में होटल रहने के लिए नहीं मिल रहा है और हम रहना भी नहीं चाह रहे हैं, इनफैक्ट हमें काम करना है, हम काम करेंगे, गाड़ी में सोना है गाड़ी में सो जाएंगे। लेकिन लोगों के पास प्रॉपर जानकारी लेके, लोगों के पास मैक्सिमम लोगों को मास्क, सैनिटाइजेशन, जो भी आइटम्स रिलेटेड है, सब कुछ चीजें आज दे के तभी हम जाएंगे। और आज मेरा दूसरा दिन है, कल बक्सर से आरा, आरा से पटना कवर किए, कोरोना से जंग जारी है हमारी। लोगों को मास्क वितरण पूरे बिहार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। डर हमें भी है, हमारे वाहक है, डर इनको भी है, लेकिन हम लोग तत्पर है कि हमें काम करना है। हमारी फैमिली दिल्ली में बैठी हुई है, बीवी बच्चे अकेले हैं, घर से जब निकलने लगा माँ पापा भाई सब मना कर रहे थे मत जाओ मत जाओ, लेकिन एक बार को मैं सोचा कि जो डॉक्टर हैं, जो डायरेक्ट कोरोना के मरीज के टच में हैं, उनका क्या हाल होगा, तो इसलिए हम निकले हुए हैं। पूरा बिहार ऑब्जर्व किया जा रहा है, कहाँ पे क्या कमी है, क्या मास्क चाहिए, क्या सैनिटाइजेशन देगी। ये देखिए हमारी गाड़ी में पूरा सामान भरा पड़ा है, टिश्यू पेपर, ये पीछे सामान,
खाने का सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि बाहर खाना मिल नहीं रहा है, वही नॉर्मल स्नैक्स वगैरह बिस्किट चाय बिस्किट नमकीन खा के पानी पी के हम लोग चल रहे हैं, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन पब्लिक है कि मानती नहीं है। लोग इतने दिन से चिल्ला रहे थे हमारे पास काम नहीं है काम नहीं है, घर में बैठे हैं। आज जब सरकार बोल रही है कि आप घर में बैठिए, तो कह रहे हैं कि हमारा काम का नुकसान हो रहा है। अगर हम 21 दिन घर में ही बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसे हमें समझना पड़ेगा। तो देखा आपने, आपने खुद मनीष जी की जुबानी उनकी पूरी दास्तान सुनी कि कैसे कोरोना वायरस की इस महामारी से निपटने के लिए वो काम कर रहे हैं, और उनके जैसे हजारों लोग सड़कों पर हैं, हजारों लोग अस्पतालों में हैं, हजारों पुलिस के लोग हैं, प्रेस के लोग हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य और सेहत की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। द फ्रंट इन लोगों को सल्यूट करता है, सलाम करता है। द फ्रंट पर कल एक और नायक की स्टोरी हम लेकर के आएंगे आपके सामने और मिलवाएंगे एक और नायक से 21 दिनों के इस लॉकडाउन में, जो सिर्फ आपके लिए काम कर रहा है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।